Namaste and welcome to Honda Jazz presents Dekh India Dekh comedy ka naya jashn. मैं हूँ आपकी गेस्ट एंकर जेनिफर विंगेट. वो क्या हुआ ना कि श्वेता का पैर फ्रैक्चर हो गया. नहीं नहीं नहीं, श्रुति ने उस पर कोई काला जादू नहीं किया है. वो तो पिछले हफ्ते हमारा एपिसोड देख रही थी तो हंसते हंसते सोफे पे से गिर पड़ी. वेल, आज के इस जश्न को शुरू करने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दोनों जजेस का. मंदी में भी हंस हंस के आंधी मचाने वाली अर्चना पुरन सिंह और यंगिस्तान देश के सबसे कम उम्र के इंसान द मल्टी टैलेंटेड शेखर सुमन. आज का हमारा एपिसोड है माइथोलॉजिकल स्पेशल, यानी कि हमारी हर जोड़ी का एक जोड़ीदार बनेगा कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर. तो आइए शुरू करते हैं आज का कॉमेडी जश्न. माता सीता के स्वयंवर में धनुष टूटा, द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख फूटी, लेकिन मालती मनोहर मिश्रा के स्वयंवर में क्या टूटता है और क्या फूटता है आइए देखते हैं. प्लीज वेलकम मालती मनोहर मिश्रा एंड कंपनी. मैं हूं मेरी प्यारी मालती मनोहर मिश्रा देवी. मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा स्वयंवर है. लेकिन मेरे स्वयंवर में आम लोग नहीं आएंगे, सिर्फ ऐतिहासिक देव पुरुष ही आएंगे. लेकिन इतना टाइम क्यों लगा रहे, लगता है सभी सरकारी कर्मचारी हैं. कोई है? अरे भाई कोई है? आइए बाबा, मैं रास्ता पार करा देती हूँ. अरे तुम क्या हमें रास्ता पार कराओगी, हम तो यहाँ कई हदें पार करके आए हैं. हमने सुना है कि यहाँ पर किसी मालती देवी नाम की कन्या का स्वयंवर हो रहा है. आप कौन? मैं धृतराष्ट्र. से विवाह करके पंड सूत्र में बंधना चाहते हैं. बंधना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हें खुला किसने छोड़ा? हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं. लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुम ही मेरे प्यार हो? देखो प्यार अंधा होता है पुत्री. मेरा मतलब है मालती, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन तुम भी हमें विश्वास दिलाओ कि तुम भी अपनी दाढ़ी बनाकर रखोगे. बकवास मत करो, हमें तुम पे विश्वास नहीं. लेकिन हम तुम पर ब्लाइंड फेथ करते हैं. लेट मी चेक. बस ये क्या हूं हूं कर रही हो, आंखें फोड़ोगी क्या? हम तुम्हारे लिए अपनी पत्नी गंधारी को छोड़कर आए हैं. गंधारी? बोल तो ऐसे रहते कटरीना को छोड़ के आए. हमने सुना है कि आपके और गंधारी के 100 बच्चे हैं. हमने भी सिर्फ सुना ही है. बहुत बढ़िया. हमें सिर्फ एक आदमी की पत्नी बनना है, 100 बच्चों की माँ नहीं. नाउ यू गो. मतलब समझ गया. बाई द वे, बाहर का रास्ता किधर है? हाँ हाँ, घूमो जाओ सीधा, फास्ट फास्ट फास्ट, टेक लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. तो तुम मालती हो, तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा. कौन हो तुम? हम शक्कुनी मामा हैं. शर्म नहीं आती हो के भांजी के स्वयंवर में आए हो? ये हाथ में क्या है? पासा. दूर से बता. बेवकूफ लड़की, ये पासा है और मैं इसी से खेलते रहता हूँ. इस उम्र में तो इसी से ही खेलोगे? क्या बकवास कर रही है? लेकिन तुम्हें ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुमसे विवाह करूं? हम दुनिया में सबसे अच्छे जुगारी हैं.
एक अच्छी कुंवारी कभी एक जुवारी की नहीं हो सकती। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी शादी जो है एक भिखारी से होगी। गेट आउट। कुछ कहा तुमने? मारू सैंडल से। कैसे कैसे नमूने आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरा स्वयंवर हो रहा है या नीलामी हो रही है। अरे गधे महाराज, शीघ्र चलिए, कहीं ये ना हो कि सोमवार खत्म हो जाए और हमारा वहां पहुंचना व्यर्थ हो जाए। गधे महाराज। चलो मालती, हम तुम्हें लेने आए हैं। पहले खुद को सर ठीक से लेके आओ। लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं, हम भीम हैं। बॉडी देख के तो लग रहा है कोई उजड़ा हुआ नीम है। बार भैया। एक बार हमारे साथ शादी करो, फिर यही नीम तुम्हें बरगद दिखने लगेगा। क्यों, ऐसी क्या खास बात है तुम्हें? हम गधा अच्छा घुमा लेते हैं, घुमाऊं? ये देखियो। ये तो गधे की खास बात है, तुम्हारी खास बात क्या है? ये तो गधे की खास बात है। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम पेड़ उखाड़ सकते हैं। ओ, आपको इंग्लिश आती है? नहीं। अच्छा ठीक है, परमीत सेठी के घर जाओ और वहां पर जाके बोलो आई लव अर्चना। ठीक है, आई लव अर्चना। परमीत सेठी ने गोली मार दी। मालती रे प्रीत मेरी मालती, रुक जान जा दिल तोड़ के ए मालती। ओह आई एम रियली सॉरी, ये स्वयंवर सिर्फ ऐतिहासिक देव पुरुषों के लिए है। तो मैं भी तो देव हूँ। और इस पूरी इंडस्ट्री में मुझसे ज्यादा ऐतिहासिक पुरुष और कोई नहीं है। हिलता हुआ नूरानी चेहरा। देखिए, हमें आपकी फ्लॉप फिल्म में काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। ये गलत सोच रही हो तुम। ये कि तुम्हारी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। ये तो बिल्कुल तुमने सही सोचा। ऐसी समझदार लड़की की तलाश में मैं पिछले 3 दिन से घूम रहा हूँ। ये अगर कुर्सी पे भी बैठा होगा ना, ऐसे लगेगा घूम रहा है। क्यों आयो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने चश्मे निकालो और मेरी तरफ गौर से देखो, मेरी आंखों में तुम्हें अपना जीवन साथी नजर आएगा। क्या देखा? हिलना बंद करो तभी तो देखूंगी। छी, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मैं समझ गया, तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को देख लिया है। ओह माय गॉड, पता नहीं हिलते हुए कब क्या देख जाता है। क्या कहा तुमने? गेट आउट। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। पल भर के लिए जुटा ही सही, पल भर के लिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, अर्चना। मार्क्स दीजिए। बताइए जजेस, कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? अर्चना, क्या इस परफॉर्मेंस को शब्दों में बांधा जा सकता है? नो। मैं नहीं समझता कि इतना कमाल का परफॉर्मेंस है 3 लोगों के बीच। आज फिर एक बार मैं समझता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, अर्चना ही नहीं, बाकी के परफॉर्मेंस भी नहीं, ऑडियंस ही नहीं, जो लोग इस वक्त इस शो को देख रहे हैं वो भी एक डिलेमा में होंगे, एक असमंजस में होंगे कि किसको बेहतर। हमारे इस शो के डायरेक्टर, हमारे शो के प्रोड्यूसर, कैमरामैन, सेट डिजाइनर, सब लोग, आई मीन ये एक शो, एक पूरी तरह से ये एक कंप्लीट और मुकम्मल शो है। अर्चना जी,
यू नो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि आप कितना अच्छा काम करते हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप कहाँ वो काम करते हैं. एक अच्छे बैनर में अगर आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है. आपका जो इतना बढ़िया काम है शायद आप दूसरे शोज में भी वैसे ही करते होंगे, लेकिन जिसे इतना जो प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर मिलता है, आई थिंक दैट यू डोंट गेट एनीवेयर एल्स. दैट इज़ वाई द बेस्ट वर्क आई हैव एवर सीन टोटली इन इंडिया एवर हैज़ बीन ऑन दिस स्टेज. तीनों का जो तालमेल है वो इतना सुपरलेटिव है. द राइटिंग, द परफॉर्मेंस, द डिलीवरी, द टाइमिंग, द प्रेजेंटेशन, द एग्जीक्यूशन, ऑल फ्लॉलेस. थैंक यू मैडम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब आ रही है हीरोइन बनने के लिए श्रीलंका की ब्यूटी क्वीन, जिसकी चाल है हिरनी जैसी और वजन है 90 किलो, रावण की इकलौती बहन सुर्पनखा उर्फ बिल्लो. प्लीज वेलकम बैजू एज डायरेक्टर एंड सुदेश बिल्लो लहरी. मेरी नचदी दे खुल गए वाल भाभी मेरी गुत कर दे. मेरी नचदी दे खुल गए वाल भाभी मेरी गुत कर दे. मैनू चढ़िया 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 40 महासाल. थैंक यू माइंड बलोंगा. मर जाने मेरी तरफ देख के सीटी मारी तूने? अरे सिर्फ सीटी ही तो मारी है. मैं श्रूपनखा हूँ, रावण की बहन. उसने मुझे कह के भेजा था कि तुम्हें आधी रात को भी मदद की जरूरत पड़ जाए ना बॉम्बे में तो मेरे शिगिर्द शक्ति कपूर को फोन कर लेना, आधी रात को भी आ जाता है. अच्छा, अभी करती हूँ. लगा लगा लगा. हेलो शक्ति जी. आओ हच के आओ, आओ हच के आओ, आओ हच के आओ, आओ. कोई नहीं, लगता किसी की मदद कर रहा है. देखिए भाई जीतू को फोन करती हूँ. हाँ लगा लगा लगा. अंकल जी प्यारी बहना. सदा जीतू रहो बेटी. अंकल जी मैं ना बॉम्बे हीरोइन बनने आई हूँ. हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड. मेरी भी बात कर लेना. तेरा तो बेड़ा गर्क कर मैं छोड़ूंगी, अपने भैया रावण को ही करती हूँ. रावण भैया. ओ छागी गुरी मेरी बहन, चक दे फटे 90 किली, सुबह जलंधर शामी श्रीलंका. भैया जैसे तुम्हारा उधर काफिया नहीं मिल रहा, इधर मुझे वो बंदा नहीं मिल रहा फिल्मों में मुझे लेने वाला, कहाँ गुंडा मुझे छेड़ रहा. अरे गुंडा नहीं, अरे मैं ही तो हूँ कास्टिंग डायरेक्टर LCD पांडे. अच्छा आप. हाँ अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्यों आई हो? मैं ना बॉम्बे ना सोने के लिए आई हूँ. आओ 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 वहाँ चलते हैं. नहीं नहीं वहाँ नहीं. हाँ. मैं बप्पी लहरी को ढूंढ रही हूँ. हाँ? मेरे ना भाई रावण ने ना बप्पी लहरी को मेरी एल्बम करने के लिए बुलाया था. अच्छा. हमने इतनी इज्जत की, खाना खिलाया, जाती बार हमारे सोने के बर्तन उठा के ले गया. इधर मशहूरियां कर रहा है. तो बड़ा घटिया काम किया है. हाँ तुमने. हाँ? अरे 2-5 किलो सोने के लिए श्रीलंका से यहाँ पे आई है. अरे तेरे भाई रावण के पास तो बहुत बड़ी सोने की लंका है ना. अब नहीं रही, कोई आया था उजाड़ गया, आग लगा गया. ये राम गोपाल वर्मा ने वहां भी आग लगा दी. तुम्हें हीरोइन मैं बनाऊंगा, तुम फिकर मत करो. अच्छा. हाँ तुम मुझे जानती नहीं हो अभी. अच्छा. हाँ बम्बई आया था मैं. क्या हुआ? बारानी लेकर बम्बई आया था मैं. आज मालिक की दया से 10 करोड़ का कर्जा है मेरे ऊपर. और ये तो कुछ भी नहीं है, शाहरुख खान का बंगला देखा है बांद्रा में? हाँ. उसके बगल में जो बंगला है. हाँ चलो चलते. हाँ उसके सामने मेरी झोपड़िया है. तेरा वो भी किराए की होगी? नहीं नहीं रेंट पे. और तेरा अपना क्या है? मैं तेरी अब किससे सुनने नहीं आई, मैं हीरोइन बनने आई हूँ. अच्छा 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 काम की बात करते हैं. हाँ. देखो तुम्हें गाना वाना आता है? हाँ. गाना वाना? मुझे सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं. अच्छा दूसरी कौन सी है? गाना गाना. हाँ तो सुनाओ गाना. हाँ. मुझे शर्म आती है वैसे, मैं जरा जरा सा गा लेती. हाँ चलेगा. जरा जरा बहकता है बहकता है, आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ. अरे निकुल, अरे प्यासी है यार, इसको कोई पानी पिलाओ. अरे वो प्यासी नहीं है, मल्लिका शरावत स्टाइल प्यासी. अच्छा अच्छा
अरे बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, ये हीरोइन बनने से पहले ही नाक कटवा लिए हो? हर नाक कटवाने का ठेका बॉम्बे में सिर्फ राखी ने लिया हुआ, और कोई नहीं कटवा सकता। चलो ये भी ठीक है। अच्छा एक बात का बड़ा कंफ्यूजन है, तुम्हारे जो रावण भैया है उनके 10-10 मुंह है और तुम्हारा एक ही है गंदा सा। दरअसल ना बहुत लंबी कहानी है, आज से 20 साल पहले। अबे जल्दी सुना, टाइम नहीं अपने पास। 10 साल पहले। और छोटी। 2 महीने पहले। थोड़ी और छोटी। कल परसों की बात है। अरे और छोटी। मैं थप्पड़ मार रहा तेरे, मुझे पंच बोलने दे। रावण भैया को फोन कर। अरे तू क्या फोन करेगी, मैं ही लगा देता हूँ उनको। हेलो प्रणाम रावण भैया, क्या हाल चाल बा? अरे भैया आप क्या बताए, ये आपकी बहन जो है ना, ये बड़ी बहन जैसी है मेरी। हाँ और इतनी टैलेंटेड औरत है ये, कि मैं इसे काम बिल्कुल नहीं दे सकता। बड़े मुँह तेरा क्यों नहीं दे सकता? होल्ड होल्ड, देखो तुम्हें एक ही आदमी काम दे सकता है। कौन? शेखर सुमन। वो आजकल नई फिल्म बना रहा है। मेरी करवा देना। नहीं मैं नहीं करवा सकता। करवा दे, 10% ले लेना। देख 20 रुपए से मेरा क्या होगा, 200 रुपए से ज्यादा मिलेंगे नहीं तुझे। औकात देके पैसा देते हैं फिल्मों में। तू मुझे उसका नंबर ही दे दे। नंबर क्या देने, सामने बैठा है, नंबर ले ले। वाह वाह वाह, ऐसी परफॉर्मेंस नोस नोस नहीं देखने मिलती। नहीं बताइए जजेस क्या कहना है आपका इस परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत एंटरटेनिंग था तुम दोनों का एक्ट। बहुत सारे पंचेस थे जो विच वर वेरी 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 गुड। थोड़ी फाइन ट्यून्ड और हो सकती थी स्क्रिप्ट, एक नयापन थोड़ा सा मिसिंग लगा। नॉट अ बैड एक्ट, अच्छी एक्ट, बहुत अच्छी एक्ट है, सो देयर इज नो कंप्लेंट एज सच, लेकिन इट शुड बी हायर। जो पंचेस थे वो बहुत अच्छे थे, दूसरे जो बुरे पंचेस थे वो उतने बुरे भी नहीं थे, वो एवरेज थे, तो आपके अच्छे पंचेस ने उनको बचा लिया। अगर टोटैलिटी में अगर देखें तो इट वाज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्ट, कुल मिला के तालियों के काबिल। स्कोर्स, थैंक यू। 1 mark एक्स्ट्रा फॉर दैट फैक्ट दैट इट वाज इन टोटैलिटी अ वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। थैंक यू, थैंक यू, सो फुल्ली डिजर्विंग ऑफ अ 9। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सुदेश। कुछ लोगों को सच बोलना ही पड़ता है, बताइए क्यों? क्योंकि सच इतना कड़वा होता है, ज्यादा देर तक मुंह में नहीं रख सकते। ऐसे ही सत्यवादी राजा हरीशचंद्र सारी दुनिया का सच बताने आ रहे हैं भावना को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्वप्निल एज राजा हरीशचंद्र एंड तुलिका एज भावना। लेकिन सच के फायदा क्या, वो जिग्नेस है ना, वो कभी टाइम पे नहीं आता। पता नहीं शेयर मार्केट में पैसे कमाने जाता है कि पैसे गंवाने। और मैं तो इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि जिग्नेस हमेशा झूठ बोलता है। हे भगवान, मैं सच बोलने वाला आदमी चाहती हूँ, सच बोलने वाला। तुमने हमें याद किया। अरे वाह, भगवान को याद किया और भगवान हाजिर। हम भगवान नहीं है, हम है सत्यवादी आतंकवादी। डराती क्यों है? हम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तुम्हें सच बोलने वाला आदमी चाहिए था ना, भगवान ने हमें भेज दिया। अरे लेकिन मैं तो चाहती थी कि मेरा आदमी मुझसे हमेशा सच बोले। सच तो यह है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, लेकिन उससे बोर हो चुकी हो। तुम्हें कैसे पता चला? बाबू भैया मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है। तुम हमेशा सच बोलते हो? हमेशा। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा ये बताओ कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष? एक और सच सुनो, तुम्हें सलमान खान की मिमिक्री नहीं आती। नॉर्मल सवाल पूछो। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष को लगता है कि सलमान कैटरीना से शादी करेगा? 10% है, सिर्फ 10%। हाँ क्योंकि बाकी 90% खुद कैटरीना से शादी करना चाहते हैं। लेकिन तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो जिनका जवाब देकर मुझे पिटना पड़े? तुम्हें क्यों पिटना पड़े? क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है। कुछ दिनों पहले बॉबी देओल ने मुझसे पूछा था कि बता हमारे खानदान में सबसे अच्छा एक्टर कौन है, और मैंने सच बोल दिया। उसके बाद ऐसी पिटाई हुई है, ऐसी पिटाई हुई है, सनी ने हाथ मारा।
बॉबी ने लात मारी और धर्म जी ने तो सच। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार विवेक ओबेरॉय ने मुझसे पूछा था कि बता इंडस्ट्री में मुझसे अच्छा एक्टर कौन है, उसके बाद 3.5 महीने तक नॉनस्टॉप बात की, तब जाके एक्टरों की लिस्ट खत्म हुई है। तुम ये बताओ कि शेखर जी, ओए शेखर जी के बारे में कुछ मत पूछना। शेखर जी फेमस नहीं है? नहीं नहीं, वो बहुत फेमस है, लेकिन तुम किसी और के बारे में पूछो। अच्छा तो ये बताओ कि जॉन इब्राहिम और जो अर्जुन, गंदी बातें नहीं। अब भी कानून बदला है, मैं फिर सच बोलूंगा फिर कंट्रोवर्सी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि अर्जुन रामपाल और जॉन इब्राहिम में लड़कियां किसे ज्यादा पसंद करती है? जॉन इब्राहिम को। वो ज्यादा हैंडसम है इसलिए? नहीं, वो भी लड़कियों को ही पसंद करता है इसलिए। एक बात तो बताओ, ये अपने उदय चोपड़ा को एक्टिंग किसने सिखाई? ये तो सवाल ही गलत है। ये सवाल किसी एक्टर के बारे में पूछो तो मैं जवाब दूं। चलो तुम ये बताओ शेखर जी को। शेखर जी के बारे में कुछ मत पूछना। क्यों? शेखर जी अच्छे एक्टर नहीं है? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन किसी और के बारे में पूछो। अच्छा ठीक है, तो तुम ये बताओ कि मालती मोरो और मिश्रा की इतनी अच्छी फिगर का राज क्या है? संतरे। संतरे? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि वो दिन में 3 बार संतरे का जूस पीती है इसलिए। मुझे तो लगा था कि उसने भी राखी की तरह अपनी फिगर बनाई है, मतलब एक्सरसाइज कर करके। अच्छा ये जो राखी का स्वयं हो रहा है उसका राज क्या है? हाँ उसके तो 12-15 राज हैं। मुझे पता चलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। अब एक सवाल मेरा सुनो। पूछो। ये जो हर एपिसोड के बाद अर्चना एक जोड़ी को अपने घर ले जाती है, वहां जाके करती क्या है? कुछ भी नहीं है। चल झूठी। अभी मैं थोड़ी तुम्हारी तरह सच बोलती हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया ना, अब तुम बताओ ये जो शेखर जी है। शेखर जी के बारे में कुछ मत पूछना। शेखर जी किसी को अपने घर नहीं लेके जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा तुम ये बता दो कि शेखर जी और अर्चना जी में से ज्यादा हैंडसम कौन है? ओह गॉड नो। पूछ लिया ना डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब इसका तो कुछ भी जवाब दूं, मेरी पिटाई तो कंफर्म है। सच बोलूंगा तो शेखर मारेगा, झूठ बोलूंगा तो परमीत मारेगा। अच्छा तो ये बताओ कि वीआईपी इतनी सारी आवाजें कहां से निकलता है? गले से। गले से? लेकिन मुझे तो लगता था कि अरे बाबा, मैं तो ये पूछना चाहती थी कि शेखर जी इतनी अच्छी कमेंट कैसे देते हैं? ओ मुझे तो लगा था कि तुम ये पूछोगी कि शेखर जी की जवानी का राज क्या है। अरे वो भी बता दो, शेखर जी मारेंगे नहीं? अरे वो नहीं मारेंगे, लेकिन वो सारी जवानियां मारेंगी जिनकी वजह से ये जवान है। वो तो बात सच है, और सबसे पहले तो मैं ही मारूंगी। अबे तू भी लिस्ट में? अरे तू क्या बैठ के हंस रही है, तू भी लिस्ट में? बताइए जजेस, कैसा लगा आपको ये कड़वा कड़वा सच? ये अब तक का फाइनेस्ट स्क्रिप्ट और फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है, दोनों साथ, दोनों साथ। This time, why it's a very special performance? Because both the performance and the script was 10 out of 10. You know, script mein device hoti, devices hoti hain. This script itself was such a brilliantly devised script ki ye puchhengi sawal aur aap jawab denge. Device was 100% bang on. That is why the rest of the script was, you know, so brilliant.
I think सच तो ये है कि we both are feeling very lazy to stand up. Yeah, पर सच्चाई यही है कि खड़े होना पड़ेगा. This standing ovation is for the script also. Yes, 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 yes. I think after saying all that, do we have to actually give the marks? I mean, I think formality. पर सच ये है कि हम लोग नौ नहीं देंगे और इनको. You saw my face. Thank you, sir. Fantastic job, Tilakan sir. Thank you, Jennifer. Thank you so much. Thank you, audience. Thank you very much. Thank you, creative team. Thank you. आपको पता है जब मैं शो की एंकरिंग करने आई थी तो मेरा इंटरव्यू हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास टैलेंट है उनका इंटरव्यू नहीं होगा तो मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे रख भी लिया ऐसी ही एक टैलेंटेड ऐतिहासिक पुरुष चाणक्य देने आ रहे हैं नौकरी के लिए अपना इंटरव्यू जिल्ले इलाही अकबर के दरबार में प्लीज वेलकम राजेश एस अकबर एंड चाणक्य राजीव अनारकली खिसक गई जोधा खिसक गई आज बीरबल खिसक गया उमर खिसक रही है क्या सियाप है भाई नाड़ा संभालो नहीं पैजामा भी खिसक जाएगा तुम कौन हो मैं अतुलित बल धामम हेम चल आप दे हम तनुज्वज किसानम ज्ञानी नागरकंडम सकुल निर्धारम वाणाम धीसम रक पत्पी भक्तम वात जातम नमामितम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर सलोक भू बार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती मंजे कहे अर्थात मैं चाणक्य हूँ अच्छा अच्छा तो तुम वो हो जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है वो चाचा चौधरी है अच्छा अच्छा तुम वो हो जिसने E=MC² का फॉर्मूला निकाला था ये हेयर स्टाइल देख के भी नहीं समझता इंसान जंगल सफारी का मजा लेते थे और तुम्हारे डेजर्ट सफारी का अच्छा मैं समझ गया तुम कौन हो तुम वो हो जो हर साल नए नए टैक्स निकालते हो वो पी चिदम्बरम और प्रणव मुखर्जी हैं अच्छा यार सारे मेन मेन लोगों के नाम गिना दिया आखिर तुम हो कौन जूनियर आर्टिस्ट अरे मोरी मैया ऐका सवेरे ते समझावत समझावत सांझ हो गई लेकर ना समझ में आवा अरे हम चालक के बाटेन अच्छा इस बार लैंग्वेज समझ में नहीं आई अब इसको कौन सी भाषा में समझाऊं एनीथिंग और हड़ो हड़ खेलता कबड्डी वाला खेलो पिंड वाली जिंदगी का के दिन मान ले जी और समझा नहीं समझा हमारी छाती पाड़ेगा के ताऊ है मुलगी सिकली प्रगति झाली वाहन हलु चालवा आगे पुल गत रोधक आहे केन छे सू छे थारो छे गांडा छे और ट्राई टुंडी छे नहीं यार समझता नहीं है Try to understand me, yeah. What I'm going to say, yaar. Samjha ki nahi samjha, us shab ji. Achha, ab main samajh gaya. Shayad tum Chanakya ho. Haan. Abhi tak kya kar raha tha? Main to time pass kar raha tha. Time pass kar rahe the? TV mein mera swayambar chal raha jo mere saath time pass kar rahe ho. Birbal ki jagah tumhe ek vidwan purush ki zarurat thi. Iske liye main aaya hoon. Mera interview lo. ठीक है हम लेंगे हाँ पहला सवाल हाँ बीरबल हमें छोड़कर क्यों गया देखो सरकार ने नया कानून निकाल दिया है ना कि दो पुरुष लीगली साथ में रह सकते हैं वो इज्जतदार आदमी था चला गया दूसरा सवाल सलीम को लेकर के अगर हम कोई फिल्म बनाए तो ये बताओ कि टेबल पे कितना प्रॉफिट होगा अबे दुई कौड़ी का फायदा नहीं होगा क्योंकि जब हैरी बावेजा ने अपने लोंडे को लांच किया उनको कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें कहां से होएगा ये भी तो ये क्या है व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता खुद का टावर लगाया मैंने मतलब की बात करो मतलब की बात हाँ। करो कि अनारकली को हमने इतना लाइन मारा लेकिन वो सेट क्यों नहीं हुई ये मतलब की बात है तो अबे मैं चाणक्य हूँ लव गुरु नहीं हूँ जो फालतू बात कर रहा है
मैं राजनीति में एक्सपर्ट हूँ, राजनीति की बात करो मुझसे। अमर सिंह अगर अमिताभ बच्चन के छोटे भाई हैं और संजय दत्त अगर अमर सिंह का छोटा भाई है, हाँ। तो ये बताओ कि प्रिया दत्त और ऐश्वर्या राय में क्या संबंध है? इसमें राजनीति कहाँ है? अमर सिंह, जहाँ अमर सिंह रहते वहाँ राजनीति तो होती है। ये बताओ ये क्या है? चुटैया है हमारी। मतलब की बात करो ना यार। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कृष्ण के बांसुरी बजाने पे गाय आती थी, हाँ। तानसेन के गाने पे बारिश आती थी, हाँ। तो पंडित भीमसेन जोशी को हिमेश के गाने पे क्या आएगा? यार उनका तो नहीं पता, मुझे गुस्सा आ रहा है। फालतू बात करता है, कायदे का सवाल पूछो ना। चलो ठीक है, कायदे की पूछ। अच्छा सवाल पूछो कोई। चलो पूछते। हाँ पूछो। करिश्मा कपूर, हाँ ये अच्छा है। हाँ। की छोटी बहन करीना कपूर, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है। का शाहिद को छोड़ना, हाँ। और सैफ अली खान के साथ अफेयर करना, हाँ। ये सब पता है, हाँ। तो ये बताओ कि शाहिद के पापा पंकज कपूर और अमृता सिंह के बीच में क्या रिलेशन है? ये सवाल पूछ रहा कि मेरे दिमाग की वाट लगा रहा है, वेंट ढीले कर, ये सवाल है। तुम दूसरे सवाल पूछ लेते हैं। दूसरा सवाल पूछेगा, ये बताओ ये क्या है? यार इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सीधे सीधे ये बताओ मुझे कि अपने यहां नौकरी में रखोगे, हाँ। तो मुझे पगार में कितनी मुद्राएं दोगे? देखो पर मंथ टीडीएस कार्ड के 12,650 रुपए अगर हम तुम्हें 20 साल तक नहीं दिए तो कितना हुआ? नहीं दिया? नहीं। अबे बुढ़ाऊ 20 साल से पहले नहीं दे रहे हो और 20 साल आगे भी नहीं दोगे, मेरे बीवी बच्चे क्या भूखे मरेंगे बुढ़ाऊ? पीर पे पकड़ लिया, पीर पकड़ लिया। अरे पकड़ के क्या करेगा? भागो। अब भागेंगे नहीं, हर एपिसोड में फिजिकल कॉमेडी अच्छी नहीं होती। बताइए अर्चना जी, शेखर जी, कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? भाई इंडिविजुअल एक्ट अगर इसमें देखें तो बहुत बेहतरीन था, बहुत मुश्किल और पूरी काबिलियत के साथ तुमने इसको किया। और ऐसा परफॉर्मेंस, जिस रवानगी से तुमने जो कुछ भी कहा और जिस तरह से कहा, वो विधा जो है वो बहुत कम लोगों को आती है। राजेश अकबर से बंधते जा रहे हैं और थोड़े सीमित हो रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत कुछ नयापन जो है अकबर में भी देखने को मिला। इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्ट, टुगेदर यू वर टेरिफिक। बहुत क्लेवरली रिटन एक्ट है राजीव, परफॉर्मेंस इन टोटैलिटी, टाइमिंग, डिलीवरी ऑफ लाइंस, डिलीवरी ऑफ पंचेस, ब्रिलियंट 10/10। इट इज वॉज अ कंप्लीट एक्ट एंड सो आई हैव टू ऑल्सो गिव यू अ 10। थैंक यू राजेश, थैंक यू राजीव। देखते हैं तब क्या हुआ जब चोरी हुआ दुर्योधन का गदा और वो पहुंचे रिपोर्ट लिखवाने हवलदार कदम के पास। प्लीज वेलकम वीआईपी एज दुर्योधन एंड अली एज हवलदार कदम। यदा यदा अमरीशपुरम सदा सदा ही प्रेम चोपड़म, जय गोविंदम जय गोपालम, होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, जय अजीतम, जय गुलशन ग्रोवर, जय कन्हैया लाल की, सुधीर बाबा की जय हो, जय हो। माइला माइला चम माइला, ये कौन है नौटंकी? मैं तुम्हें नौटंकी नजर आ रहा हूँ? नहीं, मद्रास का बप्पी लहरी दिख रहा है। अब बोल प्रॉब्लम क्या है? मेरा गधा चोरी हो गया है, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। मैं उससे युद्ध करता था। सुना था घोड़े पे हाथी पे बैठ के युद्ध करने जाते, ये गधे पे युद्ध करने जाता है। नहीं बाबा, तुम्हारा घोड़ा चोरी नहीं, मतलब गधा चोरी नहीं हुआ है, चरने गया है। अर्थात? मतलब देखने का घास चरने गया होगा। गधे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गधा गधा, जिस समय दुश्मनों से लड़ता था। मारा मारी करता है कईयों के, मैं हाथ पांव तोड़ चुका हूँ। हाफ मर्डर,
कहियो कि तो मैं जान ले चुका हूँ। फुल मर्डर, ये तो सॉलिड केस बनता रे बाबा, तेरे को अंदर लेना पड़ेगा, चल अंदर चल। मैं दूसरों के बेडरूम में नहीं जाता। चल अंदर। ए, तू मेरा गुस्सा नहीं जानता। चमाइला, तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अरे यार अच्छी बात करो, एक काम करो, पहले रिपोर्ट लिख लो, बाद में जहाँ बोलोगे मैं चलूंगा। यह बताने का तुम्हारा किसी के साथ दुश्मनी है? अर्जुन के साथ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको मारकर तुमको मिलेगा क्या? वो बेचारा तो फिल्मों में भी डेड एक्सप्रेशन देता है। अर्जुन फिल्म, मैं कुछ समझा नहीं। अरे आज तक ऑडियंस नहीं समझा कि वो फिल्मों में क्यों है, तू समझ के क्या करेगा? ये बता तेरा गधा चोरी किधर हुआ? हस्तिनापुर में। अरे वाह, ये हस्तिनापुर, कुआलालंपुर, श्रृंगापुर, ये सब जगह जाने का नहीं, स्वाइन फ्लू का खतरा है। अबे जर्नलों की दुकान, हस्तिनापुर हिंदुस्तान में ही है। अच्छा हो गया बता दिया। अब ये बताने का तेरा नाम क्या है? दुर्योधन। कैसे? वो द्रौपदी ने तेरे ऊपर रिपोर्ट लिखाया है, अटेम्प्ट टू रेप का केस है विद फैमिली। वो तो वस्त्र हरण था, केवल साड़ी उतारी थी। तो बचा क्या? अभी साफ साफ बताने का, ये सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? मामा। मामा नहीं बोलने का पुलिस वालों को। मामा सकुनी। शाइनी मामा। जो माइलो वो शाइनी तेरा मामा लगता है। अरे कंट्रोल यार, कंट्रोल यार। अरे यार द्रौपदी तो मेरी बेइज्जती की थी सर, मैं तो खाली बदला ले रहा था यार, कंट्रोल यार। तुमको मालूम कितना रो रही थी बेचारी, लूट गई, बर्बाद हो गई बोली। उसके पति ने उसे जुए में हरा, जुए में। पति? ओ ने कितना पति है उसके? पांच पति है। पति पांच, फिर भी उसका इज्जत पे आई आंच। कुछ बोला नहीं उन लोग ने? दुर्योधन से कौन लड़ सकता है? क्यों अर्जुन? सुना है वो बहुत बड़ा निशानची है, वो गोले के बीच में रैप्च करके तीर छोड़ता है। फेकू अर्जुन, वो पहले तीर चलाता है बाद में गोला बनाता है। वो भीम, वो तो बहुत बड़ा योद्धा है, सुना उसको कराटे शराटे भी आता है। भीम को और कराटे? अरे जब चीर हरण चल रहा था तो कराटे ले रहा था। माला मतलब किसी ने कुछ किया नहीं, खड़े रह के देखते रहे। केवल पिता श्री को छोड़कर। अच्छा उन्होंने बचाया? वो देख नहीं सके, बार बार संजय से पूछ रहे थे, संजय संजय क्या हो रहा है, संजय संजय कहां तक पहुंचे संजय। ये बात बताने का रे बाबा, ये जो कुछ भी तू मेरे को बोल रहा है ये सब मेरा बाप ने मेरे को बोला, मेरा बाप को उसका दादा ने बोला, उसका दादा को दादा मोनी ने बोला, और दादा मोनी को दादा साहब फालके ने बोला है? ये सब जो तू अभी मेरे को बोल रहा है उस वक्त तू किधर था रे? अरे पहचाने नहीं मेरे को, मैं वीआईपी। अरे वैसा वीआईपी नहीं, इधर 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 देख, मैं कॉमेडी सर्कस चैंपियन वीआईपी सर। एक मिनट देखिए, देखिए देखिए देखिए। साहब मेरे को तो हवलदार काले ने भेजा था इधर, बोला कि कदम का मनोरंजन करके आओ, वो मालती के साथ मनोरंजन कर रहा है वो। तू मेरा मनोरंजन करेगा? क्या मनोरंजन करेगा, चल बोल। चल अजीत, सारा शहर मुझे लान के बरखोदार, क्या कर रहे हो, हमें मारोगे? चल उत्पल जा। बेचाह कितनी मारोगी बेचाह, बिजली की जाल लूंगी। सुधीर तुम समझते कि नहीं हो, क्यों छोटे छोटे आर्टिस्ट का नाम ले रहे, बड़े आर्टिस्ट के नाम क्यों नहीं लेते तुम? कुलभूषण कर बंदा। भाई बस करो, अब क्या तुम मेरी जान लोगे? भाई बस करो। पी चिदंबरम। पी चिदंबरम? अरे भाई उनका नाम मत बोलो, जूते पड़ेंगे। जजेस आप बताइए। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बोथ ऑफ यू, धन्यवाद। यू नो बहुत कम टाइम होते हैं कि कॉमेडी देखकर आपके आंसू आंखों में आंसू आते हैं, बट यू गाइज समटाइम्स यू डू सच अ फैंटास्टिक जॉब। आई लव द होल एक्ट एंड आई थिंक यू आर जस्ट टू गुड, टू गुड। मेरे ख्याल से इन दोनों ने मिलकर देख इंडिया देख में एक नया अध्याय जोड़ा है, बहुत अलग तरह का एक्ट था। और आपका जो आखिरी पंच लाइन था कि उनका नाम मतलब बहुत जूते पड़ेंगे, इट वॉज वर्थ द इंटायर एक्ट। I mean that lifted the show to another level. Both of you deserve a 10 each. Thank you. 10 each for both of you. और अब आ गई है वो घड़ी
जब अर्चना जी और शेखर जी बताएंगे कि कौन सी जोड़ी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी, जिसे अर्चना जी ले जाएंगी अपने घर और मिलेगा शेखर जी का सहरा पहनने का सुनहरा अवसर। लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल जोड़ीज टू प्लीज कम ऑन स्टेज। शेखर जी, अर्चना जी, बताइए कौन सी है वो जोड़ी? आज जैसा मैं कह रहा था कि बहुत बड़ा डिलेमा है, क्योंकि चार लोगों को 20 on 20 मिला है, 10 on 10, 10 on 10, दैट मेक्स 20 on 20, और इसमें से दो बड़े अहम परफॉर्मेंस हैं, जिसमें स्क्रिप्ट भी जो हमने कहा कि 10 on 10 एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो 10 on 10, अब क्या करें? बहुत मुश्किल है, चार जोड़ियाँ हैं जिनको पूरा हक है मेरे घर चलने का, लेकिन मुझे एक ही चुनना है, तो मैं इनी मिनी माइना मो नहीं, लेकिन मैं आई गो विद माय टॉप टॉप प्रेफरेंस एंड दैट इज स्वप्निल एंड तोलिका। मैं भी इन लोगों को चुनूंगा, आई थिंक इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, यू आर फैंटास्टिक स्वप्निल एंड तोलिका। पर साथ में मैं कुछ और लोगों को इनके घर भेजना चाहता हूँ, और वो हैं गौरव, किशोर एंड बनवारी जी, आर द फाइनेस्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीक एक नए ट्विस्ट के साथ फिर हाजिर होगा देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। टिल देन गुड नाइट, गुड बाय, शुभ रात्रि।